लोग को जानकारी थी कि जो ओरिजिनल सीट है यहाँ का प्लांट का डीकॉइलिंग सीट जो बनता है उसमें ये लोग क्या करते हैं कि दो कि पुराना सीट का रैपर कर देते हैं एक ऊपर से और माल टपा के बाहर करा देते हैं, पंजाब भिजवा देते हैं। बड़ा रैकेट चल रहा है यहाँ। तो मुझे लगा कि एक बार जाना चाहिए। कल से प्रयास कर रहे थे कि हम लोगों को पास दे दे, हम लोग शांतिपूर्वक जाएंगे। आज जब 11:30 बजे तक पास नहीं मिली तो हमने कहा कि भाई एक बार बात करिए। बोड़ाल जी ने बात किया उसके CGM पर्सनल से, उसने कहा कि नहीं, हम लोग 5 आदमी का पास नहीं दे सकते हैं। डायरेक्टर इंचार्ज साहब का कहना है कि सिर्फ 1 आदमी को पास, सिर्फ विधायक जी का पास हम लोग बनाएंगे, उनको अलाउ करेंगे। तो हमने कहा कि भाई सिर्फ 1 आदमी जाके क्या करेगा, हमारा कंपेनियन नहीं जाएगा तो नोट कौन करेगा, प्रॉब्लम क्या है, देखेगा कैसे। उसके बाद क्या हुआ कि हमने कह दिया कि ठीक है, आपके डॉक्टर साहब नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, हमको जो बुझाएगा करेंगे, हम बैठेंगे जाके धरना पे, उनको अच्छा लगेगा। तब तक उसने बताया, डॉक्टर इंचार्ज साहब का फ़ोन आया। डॉक्टर इंचार्ज साहब ने भी यही बात बोला कि विधायक जी हम तो सबको अलाउ नहीं करेंगे। हमने कहा सब नहीं है, सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, मेरा PS और हमारे प्रतिनिधि स्टील प्लांट के, चौथा कोई नहीं अंदर जाएगा। और हम कोई आतंकवादी नहीं है, हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम शहर के चुने। फिर आपने इनसे रिक्वेस्ट किया? मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे, रिक्वेस्ट किया मैंने, और डायरेक्टर इंचार्ज ने साफ कहा कि नहीं, आपको छोड़ के मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। तो फिर बाध्य होकर मजबूरी में गुंगा बहरा प्रबंधन, अगर डायरेक्टर इंचार्ज इस प्रकार का चुने हुए प्रतिनिधि से व्यवहार करे तो बताइए, हम शांतिपूर्वक धरना पर नहीं बैठे तो क्या करें, जो सवाल बताएंगे। तो हम लोगों ने बोला, हमें अभी भी ऑफर करके मैं आ रहा हूँ कि चलिए मैं आपको घुमा देता हूँ। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम सोचते हैं इस बारे में। और लेकिन सर आपको तो भगाने की बात करने लगे लोग इनके, लोगों के बात में, मैं तो विधायक जी से बात करने आया था, मैं लोगों से बात करने। लेकिन सर क्या लगता है कि जिस तरह आरोप भी लगा रहे, भ्रष्टाचार है, चोरी हो रही है, अब ये उनका विचार है, उस पर तक चुप रहे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये उनका विचार है, उस पर तो हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, वो उनका उनका सोच है। लेकिन अगर बोकारो प्रबंधन, बोकारो स्टील प्लांट अगर प्रोडक्शन दे रहा है तो वो भी सोचने वाली बात है। संघर्ष हमारा चल रहा है। इसके अंदर जो हमारे बोकारो विधायक हैं उन्होंने कुछ इश्यूज रेज किए हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जिनको इन्होंने प्रशासन और BSL दोनों के संज्ञान में दिया। और उसी क्रम के अंदर इनकी इच्छा थी कि अपने 3-4 जो सहयोगी है जो इनके साथ काम करते हैं उनको लेकर प्लांट को विजिट करें। और इसी क्रम के अंदर जो है CISF ने उन्हें गेट पर रोका, इन्होंने वहाँ लोकतांत्रिक तरीके से धरना दिया। और जब प्रशासन यहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने प्रशासन का सहयोग भी किया और इनकी जो मांगे हैं, जो इनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं और इनका जो अनुरोध है जिला प्रशासन से कि इसको हाईएस्ट लेवल पे हम लोग एस्केलेट करें ताकि बोकारो वासी और जो सेल प्रबंधन है उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी आए। अगर कुछ वहाँ पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो रही है जिनसे बोकारो की जनता को, हमारे स्टील प्लांट को नुकसान पहुँच रहा है तो आवश्यक उसके अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं। और जो मैटर है उसको संज्ञान में ले लिया गया है, उचित जाँच की जाएगी। थैंक यू। जिंदाबाद, 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 हजार जन्म।